फिल्म की शुरुआत में हमें 1983 का समय दिखाया जाता है, जहां एक साइंटिस्ट मर्क्योरो कहता है कि मैं अरोबिया इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं और मेरा सपना है कि मैं लोगों को खुशियां दे सकूं एकदम शांति तरीके से। पर हर इंसान को ये चीज आसानी से नहीं मिलती, पर अरोबिया इंस्टीट्यूट की मदद से हमने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिसकी मदद से हम हमारे गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट न्यूरो साइकोलॉजी के लिए दुनिया भर में प्रथम स्थान पर है, जिस इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर है, और हमारी टीम ने मिलकर इस रास्ते को ढूंढा है जिससे ये सपना पूरा होगा। हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम आपकी सहायता करेंगे जिससे आप अपने आप को पहले से बेहतर फील करेंगे, इसलिए हम सभी आपका स्वागत करते हैं इस इंस्टीट्यूट में। अब हमें एक लड़की एलिना को दिखाया जाता है जो इसी इंस्टीट्यूट में थी, जिसके बाद बैरी वहां आकर एलिना की नर्स मार्गो से कहता है कि इसे उठाओ, जिसके बाद मार्गो उसे लेकर एक कमरे में आती है जो पूरी तरह से कांच का बना हुआ था और उसके सामने बैरी बैठा था। दरअसल एलिना इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर अरोबिया की बेटी थी जिसके पास कुछ साइकिक शक्ति थी और वो बातें भी सिर्फ टेलीपैथी और डेमोन्स्ट्रेट साइकिक तरीके से ही करती थी, जो सिर्फ बैरी समझ सकता था क्योंकि उस पर भी एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया जिसके बाद से बैरी की दिमागी हालत बिगड़ गई। पर अपनी हालत को नियंत्रण में रखने के लिए वो कोई गोलियां खाया करता है। बैरी रोज एलिना से इंटरोगेट करता था ताकि वो एलिना की शक्तियों के बारे में जान सके। आज भी वो ऐसा ही करता है और हर चीज वो अपनी नोट्स में लिखता है। अब बैरी वहां से अपने घर आता है जहां वो अपनी पत्नी रोजमेरी के साथ रहता था। बैरी की दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण भी रोजमेरी उसका ख्याल रखा करती थी, पर बैरी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। रोजमेरी बैरी से खाने का पूछती है पर वो भूख नहीं कहकर वहां से बाथरूम में जाता है और अपनी गोलियां खाता है जिससे वो अपने आप पर नियंत्रण कर पाता है। अब हमें एलिना को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में रखी टीवी को देख रही थी, जिसके बाद वहाँ फिर से बैरी आकर उससे पूछताछ करने लगता है। बैरी एलिना को उसकी माँ के बारे में बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी, उनके कई सारे सपने थे पर तुम उनसे कभी ना मिल पाई क्योंकि तुम्हारे जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वो और कहता है कि मैंने उनकी फोटो तुम्हारे कमरे में रखी है, तुम उसे ढूंढ लेना, जिसके बाद बैरी वहां से चला जाता है। एलिना को उसकी माँ की फोटो उसके बेड के नीचे मिलती है और वो उस फोटो को अपने पास रख लेती है, पर ये सारी चीजें बैरी कैमरा से देख रहा था। अगले दिन बैरी एलिना से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे अंदर की शक्ति को जानने में, पर तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। एलिना अपने शक्तियों से कहती है कि मुझे मेरे पिता से मिलना है, जिस पर बैरी कहता है कि तुम अभी बीमार हो और बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा। अगले सीन में हम मार्गो को देखते हैं जिसे एलिना के कमरे में कुछ आवाजें आती है जिसके कारण वो उसके कमरे में जाती है जहां उसे बैरी की नोट्स मिलती है जिसमें एलिना के बारे में सारी जानकारी लिखी थी और उसमें कुछ शैतानों की भी फोटो थी। ये सब देखकर मार्गो डर जाती है और उस नोट को वहीं रख देती है, पर उसकी सिगरेट की राख वहीं छूट जाती है। दूसरी तरफ बैरी को कोई अनजान इंसान फोन करता है जिसके कारण बैरी तुरंत इंस्टीट्यूट के लिए निकल पड़ता है। वहां आकर वो अपनी नोट्स देखता है जहां उसे मार्गो की सिगरेट की राख मिलती है जिससे वो एकदम गुस्सा हो जाता है, पर अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए वो फिर से गोली खा लेता है। बैरी अब वहां से मार्गो के पास आकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एलिना किसी चीज को छिपा रही है, इसलिए तुम उसके बारे में पता करो। मार्गो जब अगले दिन एलिना के लिए खाना लेकर आती है तो उसे एलिना के पास से उसकी माँ की फोटो मिलती है, जिसे देखकर मार्गो समझ जाती है कि एलिना इसे ही छिपा रही थी और वो उस फोटो को एलिना से ले लेती है। मार्गो अब उस फोटो को मोड़कर अपने साथ ले जाने लगती है, जिसके कारण एलिना को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी साइकिक शक्तियों से मार्गो के सिर को क्रश करके उसे वहीं मार देती है। ये सारी चीजें बैरी कैमरा से देख रहा था जिससे वो एकदम खुश हो जाता है और उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अब किसी तरह का ट्रायंगुलर डिवाइस को चालू करता है जिससे एलिना एकदम से कांपने लगती है, मानो बैरी उससे एलिना की शक्तियों को नियंत्रित कर रहा हो। अब एलिना अपने कमरे से बाहर आकर अनकॉन्शियस हो जाती है कि तभी वहाँ एक अजीब एंटिटी नेम सेंटियोनोट जो लाल रंग के स्पेस सूट में था वो आकर एलिना के गले में एक इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बैरी एक कमरे में आता है जहाँ उसने एरोबिया को रखा था, यानी कि बैरी ने एरोबिया को इसी इंस्टीट्यूट में रखा है, पर एलिना को लगता है कि वो कहीं और ही है। एरोबिया की हालत थोड़ी गंभीर थी,
वो बैरी से कहता है कि मुझे लगता है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। बैरी अब एरुबिया की दवा वाला इंजेक्शन लेने जाता है, पर वहाँ उसे अपनी पुरानी बात याद आती है जब एरुबिया और उसकी पत्नी ने बैरी पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब हमें 1966 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एरुबिया बैरी पर ट्रांसेंडेंस करना चाहते थे जो असाधारण है और इंसानों के अनुभव के परे है। एरुबिया बैरी से सवाल करता है कि तुम एक नए सफर पर जा रहे हो तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जिस पर बैरी हाँ में जवाब देता है। वो अब बैरी के सिर पर एक आंख का चित्र बना देता है और एरुबिया की पत्नी बैरी को एक ड्रॉप पिलाता है जिसके बाद बैरी को एक काले लिक्विड में डाला जाता है। अंदर प्रवेश करने के बाद बैरी को अजीब और डरावने विजन्स आते हैं। अब बैरी उस लिक्विड से बाहर आता है जिसके बाद वो वही लिक्विड की वॉमिट करने लगता है और अजीब तरह से चिल्लाने भी लगता है मानो वो अब पागल हो गया हो। बैरी अब वहां से एरुबिया की पत्नी के पास आता है और उसके गले पर काट कर उसे वहीं ढेर कर देता है। एरुबिया अब अपनी बेटी एलिना से कहता है कि तुम्हारी माँ इस खत्म होती दुनिया से चली गई है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अब से एक नई दुनिया की शुरुआत करोगी। जिसके बाद एरुबिया एलिना को भी उस लिक्विड में डाल देता है, जिसके बाद अब बैरी अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। बैरी अब फ्लैशबैक के गुस्से के कारण वो एरुबिया के इंजेक्शन में दवा का डोज बढ़ा देता है और इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। अब ज्यादा डोज के कारण कुछ समय बाद एरुबिया की मृत्यु हो जाती है। वहीं बैरी वहां से अपने घर आता है जहां रोजमेरी सो रही थी, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपना वीग उतारता है और अपने आंख में लगे उस लेंस को भी। उस एक्सपेरिमेंट के कारण बैरी के बाल और आंख में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब बैरी एक लेदर का सूट पहनकर एक ड्रॉवर से किसी तरह का रिचुअल करने वाला खंजर निकालता है जिसे वो द डेविल टीयर ड्रॉप कहता है, पर तभी उसे रोजमेरी आवाज लगाती है जिसके बाद वो रोजमेरी के पास जाता है। पर रोजमेरी उसे बिना वीक के होने के कारण सवाल करती है कि तुमने वीक नहीं पहना, जिस पर बैरी कहता है कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पर रोजमेरी फिर से सवाल करती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं, क्या तुम ठीक हो, जिस पर बैरी कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ, मैं वो सब देख सकता हूँ जो कोई और नहीं देख सकता, मैंने शैतान की आंख में देखा है जो बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल ब्लैक रेनबो की तरह, और उसने मुझे चुना है मेरे सामने खुद को प्रकट करने के लिए। अब बैरी रोजमेरी के चेहरे पर हाथ रखकर उसके चेहरे को क्रश कर देता है जिससे उनकी वही मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ एलिना को होश आ जाता है और अब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एलिना अब एक लिफ्ट के जरिए दूसरी जगह आ जाती है, पर अब उसके इर्द गिर्द सेंटियोनॉट घूम रहा था जिसे देखकर वो छिप जाती है। वहां एलिना को एक छोटा रास्ता दिखाई देता है और वो उसके जरिए एयरवेंट में पहुंच जाती है और वहां से एक दूसरे कमरे में आती है जहां उसे एक अजीब म्यूटेटेड इंसान दिखाई देता है जो कपड़े में बंधा हुआ था। एलिना अब उससे बचकर आगे बढ़ने लगती है, पर वो एकदम से जाग जाता है और वो एलिना पर टूट पड़ता है। पर तब तक एलिना अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है और समय रहते उस कमरे से बाहर भी आ जाती है, पर वो अब भी एलिना का पीछा कर रहा था इसलिए एलिना उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है जिससे अब वो आगे नहीं आ पाता। पर तभी वहां सेंटियोनॉट आ जाता है इसलिए एलिना अपनी शक्तियों से उसे रोककर उससे उसका मास्क निकलवाती है जो किसी तरह के म्यूटेटेड बच्चे जैसा दिखाई दे रहा था। अब एलिना वहां से निकलकर इंस्टीट्यूट के गार्डन तक आती है और एक छोटे रास्ते की मदद से पूरी तरह इस इंस्टीट्यूट से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ बैरी एलिना को मारने उसके कमरे में आता है, पर उसे एलिना कहीं भी दिखाई नहीं देती इसलिए अब वो अपनी कार की मदद से एलिना को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि उसने एलिना के अंदर एक ट्रैकर लगाया था और वो उसी ट्रैकर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एलिना बाहर की दुनिया पहली बार महसूस करती है जो उसे बहुत ही सुंदर लगता है और वो वहीं जमीन पर सो जाती है। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में शराब पी रहे थे कि तभी उसमें से एक आदमी फ्रेश होने के लिए जब आगे जाता है तो तभी उसके सामने बैरी आ जाता है। बैरी के हाथ में हथियार देख वो आदमी एकदम से डर जाता है और बैरी उसे अपने हथियार से वहीं मार देता है। अब बैरी दूसरे आदमी के पास बढ़ता है और उससे कहता है कि तुमने एलिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, पर वो आदमी कहता है कि मैं
किसी एलिना को नहीं जानता, पर फिर भी बेरी कुछ नहीं सुनता और वो अपने हथियार की मदद से उसे भी मार देता है। अब एलिना उड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगती है, पर तभी उसके पीछे बेरी लग जाता है और वो उसे बहलाने की कोशिश करते हुए उसे अपने पास बुलाता है, पर एलिना अपने शक्तियों से उसके पैरों को वहीं रोक देती है जिससे बेरी आगे बढ़ नहीं पाता। पर फिर बेरी जब जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उस पर से उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरकर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर एलिना एकदम खुश हो जाती है और अब वो शहर तक आ चुकी थी और उसे वहाँ एक घर में चल रहा टीवी की रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो उसी की तरफ बढ़ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। मानो इसके और भी पार्ट बनेंगे जिसमें हमें एलिना के बारे में और भी पता चलेगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।